ये क्या टोपी ड्रामा है, कल से कहोगे नंगे घूमो तो नंगे घूमे, इसलिए कि हम कुछ नहीं बनाते, पागल तो नहीं है साले ये? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट प्रेस, जो बेंगलोर सिटी से सिर्फ एक टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा है। आई वाज शॉक्ड एक्चुअली टू हियर दैट स्टैटिस्टिक। 30 साल से हम कर्ज लेके कर्ज वापस कर रहे हैं भाई, दैट इज व्हाई वी आर इन सच अ डेट। आप मोदी हुकूमत से जितना मर्जी खिलाफ कर लें पाकिस्तानी के तौर पे, आप चाहे उनको हिंदू मुस्लिम की बेस पे भी खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप इन्होंने एक ही इकोनॉमिक एजेंडा रखा है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन साहब जो है, वो इंडिया में है और वो तकरीबन 3 दिन के फाइबर ऑप्टिक और बिजली का बहरान और एनर्जी का जो बहरान है उसके नतीजे में आने वाले कुछ अरसे में जो है वो टेलीफोन कॉल्स की और ये जो व्हाट्सएप कॉल्स हैं और इंटरनेट है इसकी भी लोड शेडिंग की जाएगी। अच्छा ये बात जो है ये बड़ी का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां थी हमारे बावजूद। तो दोस्तों आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप समझ सकते हो पाकिस्तान के हालात क्या है। पाकिस्तान में लोड शेडिंग इतनी ज्यादा हो रही है, मतलब लाइट इतनी ज्यादा गोल हो रही है कि अब वहां पे एटीएम चलाने तक के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, व्हाट्सएप और इंटरनेट चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो शायद आने वाले समय में ये इस तरीके की लोड शेडिंग भी हो सकती है। देख सकते हो आप पाकिस्तान में बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को आप कितना भी हेट करें, किसी भी कारण से हेट करें, लेकिन उनके काम को आप हेट नहीं कर सकते। मतलब सीधा साधा, You can't ignore him, you can hate him or love him, but you can't ignore him. तो सीधी सी बात है, अब पाकिस्तान को भी इनडायरेक्टली समझ में आ रहा है भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, जो बेंगलोर सिटी से सिर्फ एक टैक्स आता है, प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे थे वो पूरे पाकिस्तान के प्रॉपर्टी टैक्स से ज्यादा है। आई वॉज शॉक्ड एक्चुअली टू हियर दैट स्टैटिस्टिक। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े डीएचए में बड़े बड़े घर हैं, बड़े बड़े बैरिया में घर हैं, इन पे प्रॉपर्टी टैक्सेस, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, एक टैक्स की फॉर एग्जांपल, अपने ह्यूमन कैपिटल को ठीक नहीं करते हैं, आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाते हैं जिससे आपके पास डॉलर आ सके, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा हमसाया है इंडिया, इंडिया की रिजर्व्स अगर आप देखें आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले तो वो बहुत लो हुआ करती थी। पाकिस्तान और इंडिया की रिजर्व प्रोपोर्शनली एक ही ऐसी होती थी। अब इंडिया इज वास्टली अबव अस, क्यों? क्योंकि उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ऐसी रही हैं जिससे उन्होंने उस चीज को एड्रेस किया है, और उसको आप मोदी हुकूमत से जितना मर्जी खिलाफ कर लें पाकिस्तानी के तौर पे, आप चाहे उनको हिंदू मुस्लिम की बेस पे भी खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप मोदी हुकूमत एंड बिफोर दैट कांग्रेस गवर्नमेंट, इन्होंने एक ही इकोनॉमिक एजेंडा रखा है कि हमने इकोनॉमिकली इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर बनाना है, एंड दे हैव सक्सीडेड इन दैट। हमारे यहाँ जो सा वो ये नहीं हुआ, हमारा जो एलीट कैप्चर है वो इतना सख्त है, और वो हमारा जो एलीट तबका वो इतना जालिम है और इतना सेल्फिश है, इतना खुदगर्ज और जालिम है। जैसे पिछले दिनों आपके प्रोग्राम पे ही मेरा ख्याल है हमारे एक भारतीय दोस्त है, और आई थिंक मैंने ट्वीट्स भी देखी हैं इस बारे में, और वो ठीक कहते हैं कि भाई आपका सारे लोग हैं जो उनसे वो पैसे बनाते हैं, उड़ाते हैं और बाहर चले जाते हैं, बाहर के मुल्कों में बैठते हैं, और एजोंसा वो वहां से पैसे वापस नहीं लाते। तो भारत इसमें स्मार्ट खेला उन्होंने, वो ना सिर्फ वहां से तेल ले रहे हैं, उसको रिफाइन करके आगे दूसरे ममालिक को बेच रहे हैं, एक तो मैं ये बताना चाहूंगा। लेकिन ऐसा होता है जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज होते हैं, जिनकी इकोनॉमीज होती हैं, जिनकी फॉरेन पॉलिसीज होती हैं, जिनके अंदर नेशनलिज्म होता है। देखे ना, मैं हमेशा, लोग मुझे कहते हैं शायद मैं पाकिस्तान बैशिंग करता हूं, जरा कंपेयर करके आप देख लें अपने फॉरेन मिनिस्टर्स को, पिछले को और जयशंकर को, तो आपको ये खुला सामने नजर आ जाएगा, खुली किताब की तरह, कि उनका 100% ऑब्जेक्टिव, डॉक्टर जयशंकर उनका 100% ऑब्जेक्टिव। दोस्तों इस वक्त अगर आपको पता है कि बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल मेनन साहब जो है, मोमिन साहब जो है वो इंडिया में है और वो तकरीबन 3 दिन के विजिट पे आए हुए हैं, और एक 7th राउंड ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव कमीशन जो है भारत और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो उस पर वो अटेंड करने आए हुए हैं, जो कि
जारी बात है आपने वो इंडियन काउंटर पार्ट जो है डॉक्टर जयशंकर से वो करेंगे, इसके अलावा और मुलाकातें भी करेंगे, लेकिन ये विजिट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको याद हो कि पिछले महीने भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, एशियन कॉन्फ्रेंस रिवर कॉन्क्लेव 2022, उसमें शिरकत की थी, और ये बेसिकली दोनों ममालिक की जो रिलेशनशिप है उस हवाले से देखा जाए, जब बांग्लादेश के 50 साल मुकम्मल हुए थे तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए थे वहाँ पे, और उन्होंने भी वहाँ पे जाके तो एक कमिटमेंट शो की इंडिया बांग्लादेश के साथ कि वो किस तरह के ताल्लुकात चाहते हैं। अब जाहिर बात है अगर आप इंडिया को देखें, इंडिया के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत ज़बरदस्त हैं। इंडियन जीडीपी को 3.2 ट्रिलियन डॉलर के करीब है, मैं देख रहा था वर्ल्ड बैंक ने जो फोरकास्ट किया हुआ है इंडिया को वो 2022-2023 के लिए वो 7.5% उनका ग्रोथ रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक तकरीबन 596-597 बिलियन डॉलर पे खड़े हुए हैं, और इस तरह एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा हैं, कुछ 600-650-700 बिलियन डॉलर के करीब हुई हैं। तो बड़ा बल्कि मैं देख रहा था कि अभी रिसेंटली जो है वो ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में इंडिया इज कम एट 37th नंबर इन द वर्ल्ड, और इंडिया के अंदर जो यूनिकॉर्न जो है वो उसको वन ऑफ दी जिसे आप कह रहे हैं कि इम्पॉर्टेंट यूनिकॉर्न बेस, और दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न जो बेस है दैट इज इंडिया, विद सिर्फ 2022 में कुछ 16 स्टार्टअप्स शुरू हुए हैं ओवर 1 बिलियन डॉलर, और ओवरऑल जो स्टार्टअप्स की वैल्यू है इंडिया के अंदर वो कुछ 332 बिलियन डॉलर है। सो जारी बात है बांग्लादेश के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दैट दे वांट टू वर्क विद इंडिया, उनको पता है कि इसके अलावा उनके पास और कोई चॉइस नहीं है, एक तो उनका नेबर है, हिस्ट्री भी पाकिस्तान के रेफरेंस से जो उन्होंने इकट्ठे शेयर की हुई है, ये सारी बात है, ये चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे को याद तो रखती हैं, और इन चीज़ों का बांग्लादेश के ऊपर भी बड़ा असर है। बांग्लादेश और इंडिया जो है वो अगर मैं कहूँ कि जो मल्टी फेसेटेड बायलैटरल कोऑपरेशन है जिसमें कनेक्टिविटी की बात है, एनर्जी, पावर सेक्टर, पानी के रिसोर्सेज के मसले हैं, बॉर्डर मैनेजमेंट है, डिफेंस सिक्योरिटी, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो दोनों ममालिक में हमांगी पाई जाती है जो कि जारी बात है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को देखें तो यू विल सी के हमारे इनके साथ मसले जो हैं वो ख़त्म नहीं हुए, ना हुए हैं, ना ही शायद होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा पाकिस्तान के हालात क्या हैं और पाकिस्तान के बारे में क्या बात हो रही है। मैं इन सब हालात का जिम्मेदार केवल एक ही चीज को मानता हूँ, पाकिस्तानी फौज। पाकिस्तान में इतना बड़ा ये हाथी है जो आधे से बजट को खा जाता है, वो तो लिखित में बजट है, मतलब एक कैलकुलेटेड बजट है, उसके बाद भी ये लोग हर जगह है, मतलब पाकिस्तान के जो बाकी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हो या पब्लिक क्षेत्र हो, कोई भी हो, गवर्नमेंट के क्षेत्र हो, सब जगह इनका कब्जा है। कहीं पे जैसा कि आपने सुना डीएचए मतलब ये आर्मी वाली कॉलोनियाँ होती है, उसको आर्मी के जो बंदे हैं वो हैंडल करते हैं, उनके प्लाट होते हैं, वो टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में, इस तरीके के कुछ सीन है। तो भाई पाकिस्तान का केवल मतलब क्या, पाकिस्तान की आर्मी जितना पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय किया है, मतलब पाकिस्तानी जरूर सोचते हो कि हमारी आर्मी ये वो, बट पाकिस्तान की आर्मी पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय करने का मेन रीज़न है। शायद 20 साल बाद जो पाकिस्तानी आज सोचता है कि पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, उसे समझ में आएगा कि पाकिस्तान की कंडीशन पाकिस्तान की आर्मी की वजह से बर्बाद हुई। पाकिस्तान के जो एक्स जनरल हैं उनकी प्रॉपर्टियां बाहर हैं, वो बाहर सेटल हैं, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, उनको पाकिस्तान से क्या, जॉब ख़त्म, बाहर निकल गए, ये तो उनका समझ सकते हो आप सीन रहता है पाकिस्तान में। तो इस तरीके की प्रॉब्लम ऐसे देश में आएंगी। अब पाकिस्तान को इस तरीके की प्रॉब्लम से बचना है तो एक ही तरीका है भैया, पाकिस्तान को तोड़ो 2-3 हिस्सों में, तो जो कर्जा वर्जा रहेगा वो तो पाकिस्तान पर रहेगा, 2-3 हिस्सों में तोड़ोगे तो कर्जा किसको दोगे आप, मतलब कौन आपसे मांगेगा, पाकिस्तान ही नहीं रहेगा। और इससे पहले आपका न्यूक्लियर छिनेगा, न्यूक्लियर आपको सरेंडर करने पड़ेंगे, न्यूक्लियर ऐसे सरेंडर करोगे तो डेफिनेटली इस क्षेत्र में बहुत सारी शांति रहेगी, ऑब्वियसली आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दे।